नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूँ पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 अक्टूबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि पंचमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र रात 9:04 तक है, आगे मूल नक्षत्र रहेगा। योग शोभन है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा पूरा सदुपयोग कीजिए। करण भव है, दोपहर 12:57 तक आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:28 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:55 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर बाद 3 के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:34 के बीच है। दिन में 4 दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:17, 11:03, दोपहर बाद 2:52 और 3:37। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही करेंगे कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करें। परिहार है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, थोड़ा सा दही जीरा खाएं, 5 पीछे चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट को धारण करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, योग कारक रहेगी और आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 से दोपहर 1:30 तक और फिर दोपहर बाद 4:30 से शाम 7:30 तक। ये 2 कालखंड है जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है, तो अच्छे अच्छे एफर्ट्स करें तो इसी दौरान करें ताकि सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलें। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, रात 9:04 तक आगे चंद्रमा धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे। दर्शकों आज नवरात्रि की साधना यात्रा का 5th सोपान है और ये जुड़ा है भगवती स्कंद माता से। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम वात्सल्यपूर्ण है क्योंकि माता यहाँ अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान के नाम से जानी जा रही है। देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की जननी षडानना है और स्कंद माता चतुर्भुजधारी हैं। ये दाहिने ऊपर वाली भुजा से बाल स्कंद को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं, बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में, नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प लिए हुए हैं। ये कमल के आसन पर ही विराजमान रहती हैं, इस कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ का जो वर्ण है पूर्णतः शुभ्र है और सिंह इनका वाहन है। भगवती का जो ध्यान किया जाता है वो इस प्रकार किया जाता है कि सिंहासन गताम नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में विशुद्धि चक्र से संबंध बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है, वो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा होता है। उसकी वाणी में दिव्यता और भाव में शुद्धता परिलक्षित होने लगती है। गायन से जुड़े हुए लोग या जिन्हें भाषण देने होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, सेल्स मार्केटिंग वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, इनको भगवती के स्वरूप का विशेष पूजन विशेष भजन आज करना चाहिए। दर्शकों भगवती स्कंद माता की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को पुष्प अक्षत रोली मोली चंदन ये सब अर्पित करें। सबसे पहले इन्हें प्रसाद अर्पित करें, प्रसाद के उपरांत इनका आचमन कराएं, 5 भेंट दें। इसके पश्चात कलश देवता का पूजन करें, साथ ही नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन करें, फिर भगवती स्कंद माता की विधिवत पूजा करें। इसके लिए माता को पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें पुष्प अक्षत कुमकुम सिंदूर 5 वस्त्र ये सारी वस्तु अर्पित करें, भोग लगाकर फिर माता का ध्यान इस प्रकार करें। ध्यान से समझिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः स्कंद माते इहा गच्छ इहा तिष्ठ स्कंद मात्रे नमः स्कंद मात्रम आव्यामी स्थाप्यामी नमः पाद्याधिभि पूजनम विधाय चंडवीरा चंडमाया चंडमुंड प्रभंजनीम ताम नमामि च देवेशीम चंडिकाम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से इनका आह्वान करें, पूजन करें और फिर भगवती के मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः, ओम देवी स्कंद माताए नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें और फिर जो अपना नित्य देवी पाठ आप कर रहे हैं उसका पाठ करें, अंत में आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से आप अच्छे से पूजन करें। पूजा के लिए कुश और कम्बल का पवित्र आसन बहुत ही उत्तम रहता है।
आज केले का प्रसाद भगवती की पूजा में विशेष रूप से रखें, क्योंकि ये भगवती को बहुत प्रिय है। साथ ही भगवती को चंपा के पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय हैं, तो ये भी आप अर्पित करें। इसके अलावा हरे रंग की चूड़ियाँ जो हैं उनसे श्रृंगार करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। ऐसा आप कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। दर्शकों, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है, और इसीलिए देवी स्कंद माता की साधना उन लोगों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहती है जिनकी आजीविका का संबंध मैनेजमेंट से, वाणिज्य से, बैंकिंग से, कम्युनिकेशन से, शिक्षा से या सीधे सीधे व्यापार से। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। तो जिन जातकों का बुध निर्बल है, पाप पीड़ित है या विपरीत दशा से पीड़ित दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भगवती की शरण लें और ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः, इस मंत्र का जितनी आप कर सकते हैं यथाशक्ति जप करें और संकल्प ये लें कि मेरे जो जन्म पत्रिका में बुध ग्रह है वो अनुकूल हो जाएं। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होगी। ये देवी स्वरूप अग्नि तत्व और वात्सल्य का प्रतीक है, इसलिए अपने भक्तों की एक तरफ जहां उग्र होकर रक्षा में प्रवृत्त रहती है, वहीं दूसरी ओर मातृवत उनका पालन पोषण भी करती है। ऐसे ही दर्शकों, पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री होने से माता संतानहीन दंपतियों पर विशेष कृपा करती है। तो जिन भी दंपति को संतान की इच्छा हो वो माता की विशेष पूजा उपासना करें। आज के दिन से आज इसके लिए आप उपवास भी कर सकते हैं और फिर इस विशिष्ट मंत्र से ध्यान पूजन आरंभ करें। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दर्शकों, ध्यान पूजन के उपरांत सूर्योदय के समय लाई हुई आँख यानी मदार की जड़ को माता का ध्यान करते हुए स्त्री अपनी कमर से बांध लें और फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का जाप आज से प्रारंभ कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सटीक कार्य करता है। करना सिर्फ ये है कि सूर्योदय के समय आँख यानी मदार की जड़ निकालनी है, कमर पे बांधनी और ये मंत्र जाप करना है। मंत्र है, ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रह पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो शक्ति रूपाय मम गृह पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। प्रतिदिन एक या अधिक विषम संख्या में मालाओं का जाप करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतने जल्दी रिजल्ट आएगा। तो आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही उनका शमन होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सटीक मंत्र है, आप करके देखिए। ऐसे जिन भक्तों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, या वो भक्त जो नौकरी की तलाश में है, या जिन छात्रों को आगामी समय में किसी परीक्षा में बैठना है, वो सब आज से माता शबरी दुर्गा की पूजा इस मंत्र से आरंभ करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, ये भगवती का बहुत ही गुप्त स्वरूप है। मंत्र है, ऐं म्रीं श्रीं क्लीं त्रिलोक्य मोहिनी मे अभीष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ऐं म्रीं श्रीं क्लीं त्रिलोक्य मोहिनी मे अभीष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। कम से कम एक, अधिक विषम संख्या में जितनी ज़्यादा माला जाप करेंगे अति शीघ्र आपके करियर, शिक्षा में जो भी रुकावट आ रही थी वो दूर होगी, सफलता के द्वार भी खुलेंगे। ऐसे दर्शकों को कभी कभी यूं लगता है कि सब तरफ से परेशानियां बढ़ती जा रही, जीवन में कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में आप देखते हैं कि शारीरिक मानसिक कष्ट तो आ ही रहे हैं, साथ साथ आपका जो करियर है, नौकरी है, व्यापार है, उसमें भी समस्या आने लगती है। ऐसी स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो आज के दिन एक सटीक उपाय आपके लिए बना है कि आपको करना सिर्फ इतना सा है कि कुछ सामग्री खरीद लें। सामग्री ऐसे है जैसे कि काले धतूरे की जड़, ओंगा की जड़, श्वेतार्क की जड़, वटवृक्ष की जड़, पीपल वृक्ष की जड़, गूलर की जड़, आम के पत्ते, गेहूं, चावल, चना, साबुत, मूंग, काले तिल, शहद, दूध, दही और घृत यानी घी। ये सब अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा आप ले लें। सारी सामग्री को एक घड़े में यानी एक मटके में रखें, धूप दीप पुष्प से इनका पूजन करके और 11 माला इस विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है, ओम नमो भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीड़ा नाशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीड़ा नाशं कुरु कुरु स्वाहा। ये 11 वाला मंत्र के जाप के उपरांत इस मटके को किसी पीपल वृक्ष की जड़ के पास जमीन में थोड़ा सा गहरा खड्डा खोदकर उसको गाड़ दें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि ग्रह गोचर जनित सभी समस्याओं का अंत हो और हमारे जीवन में सुख शांति आए। पीछे मुड़ना नहीं है और सीधे घर पहुंचे, स्नान करें, अपने अपने इष्ट का पूजन करें, ध्यान करें। आज ही के दिन से कष्ट कम होने लगेंगे, जीवन में सुख शांति का अनुभव निश्चित रूप से होने लगेगा। ऐसे ही बहुत दिनों से समस्याओं में फंसे हैं आप, काम बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो आज सुबह 9:44 से 10:18 के बीच 21 त्रिदल बेलू पत्र लें, सफ़ेद चंदन से उस पर ह्रीम लिखें,
और भगवान शिव जी पर अर्पित करें एक लाल चंदन की माला, माता पार्वती को अर्पित करें, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा आपको एक रिलीफ मिलेगी, सफलताओं के नए नए मार्ग खुलेंगे। ऐसे ही जिनको राहु की पीड़ा चल रही है या मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, सिरदर्द की परेशानी है, अवसाद टेंशन डिप्रेशन से परेशान है, तो आज दोपहर बाद 4:30 से 6 बजे के बीच में भगवती दुर्गा के मंदिर जाएं। 2 लाल चुनरी में सजल नारियल, गुड़हल या रक्त कनेर के पुष्प और असली कपूर लेकर जाएं। वहां बैठकर माता दुर्गा के 32 नामों को 32 बार जाप करें। नारियलों को चुनरी समेत माता के चरणों में रख दें, पुष्प अर्पित कर दें, कपूर जलाकर भगवती की आरती करें और भगवती को दंडवत प्रणाम करें। छोटा सा काम है लेकिन राहु जनित पीड़ाओं से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी और माँ दुर्गा का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये था आज का पूजन विधान, आज के दिन का महात्म्य, कथा और विशेष उपाय। दर्शकों, अंत में एक विशिष्ट बात कि किसी भी पूजा जप स्तोत्र जब आप देवी का करें तो अंत में कहें कि ओम यदक्षरम परिवृष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये उच्चारण करें, भगवती के सामने दंडवत होकर क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम वात्सल्य पूर्ण स्वरूप स्कंद माता का पूजन करें और जगत जननी माँ आप सबको अपने पुत्र स्कंद के समान ही अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दे। इस मंगल कामना के साथ आज के दिन विषय पर इतना ही। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, ये आशा करता हूँ कि साधना का ये पंचम सोपान आप सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, आगे से आगे भगवती की स्नेह छाया में बढ़ते जाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।